मुंबई में विस्फोट के बाद डूबी पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक के अंदर फंसे नौ सैनिकों के बचने के आसार अब बहुत कम हैं। नौसेना के गोताखोरों ने आज चार शव निकाले हैं। दो दिन पहले INS सिंधु रक्षक में विस्फोट के बाद लगी आग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हादसे के बाद पनडुब्बी में सवार नौ सैनिकों की क्या हालत हुई होगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, नौ सैनिकों के बचे होने की आशंका बेहद कम हो गई है। नौसेना के गोताखोरों ने आज चार शवों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। शवों की हालत देखकर बाकी 14 लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पनडुब्बी से मिले शवों की हालत यह है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। सेना पहचान के लिए इनके DNA टेस्ट करवाने जा रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई रूस में निर्मित इस पनडुब्बी के भीतर मौजूद उबलते पानी की वजह से शुरुआत में बचाव गर्मी इसके भीतर नहीं घुस पा रहे थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हादसे के बाद पनडुब्बी सिंधु रक्षक पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हादसे की सच्चाई जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया जा चुका है।